ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, रुक करेंगे खबरों का। हरियाणा कैबिनेट में नए मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को उनके विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता को स्थानीय निकाय विभाग मंत्रालय की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि देवेंद्र बबली को पंचायती राज और पुरातत्व मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दोनों मंत्रियों को उनके विभाग मिलने के बाद बधाइयों का भी तांता लगा रहा। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को बधाई दी। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को यहां पर राहत देते हुए और हेल्पर को नए साल का तोहफा देते हुए उनके हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2020 से, आपको बता दें कि यहां पर राहत देते हुए बड़े ऐलान इनके लिए किए हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स के रिटायरमेंट पर 1,00,000 रुपए और हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की है। इसके साथ ही मासिक मानदेय में 17 दिसंबर 2020 से यहां पर बड़ी घोषणाएं की हैं। नए साल 2020 का आगाज होने वाला है, ऐसे में न्यू ईयर के जश्न पर ओमिक्रोन का कर्फ्यू लग गया। इसी कड़ी में गुरुग्राम के डीसी ने कानून को सख्ती से पालन करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। गुरुग्राम के डीसी की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार बहुत जरूरी होने पर ही सड़कों पर आने की इजाजत होगी। वहीं पब और बार कोविड नियमों का पालन करते हुए ही न्यू ईयर का जश्न मना सकेंगे। साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और ओमिक्रोन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू तो पहले से ही लागू कर दिया गया था। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी आवाजाही पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही गुरुग्राम के डीसी ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि न्यू ईयर का जश्न अपने घरों में ही मनाएं। कोविड-19 का जो संक्रमण दोबारा से फैल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब नाइट कर्फ्यू रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जो न्यू ईयर का भी अब समय आया हुआ है, उसके इस तरह की जो तैयारियां हमने की हैं कि इस तरह के फंक्शन के तहत ये संक्रमण ज़्यादा ना फैल पाए, तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं, उन गाइडलाइंस के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 जनवरी से देश भर में यहां पर 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी कड़ी में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दिया है और इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर डाटा इकट्ठा किया गया है। इसी के अंतर्गत कुछ स्कूलों में वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि गुरुग्राम में जनसंख्या के आधार पर करीब 2,00,000 बच्चों को वैक्सीन लगेगी। वहीं 2007 और उससे पहले जन्मतिथि वाले यहां पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अभी जैसा आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा के जो सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग हैं, उनकी वैक्सीनेशन अनाउंस की थी। तो आज उसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग की गई, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग करी गई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि सभी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में जो है वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जाएंगे। इसके दिशा निर्देश जो ही गाइडलाइंस और डिटेल में प्राप्त होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अभी जो है उसमें ऐसा किया जाएगा कि 2007 या उससे पहले
जिन बच्चों का भी जन्म हुआ है उनको हम 3 जनवरी से वैक्सीनेट करना शुरू कर रहे हैं। वहीं शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया, जिसके अंतर्गत राज्य के सभी 22 जिलों के मेधावी विद्यार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। वहीं हर एक जिले से 100 विद्यार्थी लगातार कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं। साथ में आए नोडल अधिकारी डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने बताया कि शैक्षिक भ्रमण विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी होता है, ये शिक्षा विभाग का बहुत सराहनीय कदम है। प्रोजेक्ट प्रोग्राम किया वहाँ पे घूम करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग जगह घूमी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, हर चीज़ों से अलग अलग नॉलेज मिली। मैं चाहूँगी कि भविष्य में मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ और मेरे छोटे भाई बहनों को भी साथ ले करके आऊँ, वो भी यहाँ पे अलग अलग जगह घूमें और अपने आनंद ले। एजुकेशन टूर मुझे बहुत अच्छा रोचक प्रोग्राम किया वहाँ पे घूम करके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने यहाँ पे अलग अलग जगह घूमी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। हमारे टीचर्स ने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया। यहाँ पे हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिली, हर चीज़ों से अलग अलग नॉलेज मिली। मैं चाहूँगी कि भविष्य में मैं यहाँ पे दोबारा आऊँ और मेरे छोटे भाई बहनों को भी साथ लेकर के आऊँ, वो भी यहाँ पे अलग अलग जगह घूम। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब बच्चों का स्कूलों के एडमिशन बच्चों के नहीं होंगे तो ऐसे कैसे चलेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों बच्चे स्कूलों की मनमानी के चलते स्कूल जाने से महरूम हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे बुधवार को गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग के ऑफिस पहुंचे और बाहर बैठकर पढ़ने लगे। स्कूल की ड्रेस में बच्चों को ऑफिस के बाहर बैठा देख गुरुग्राम के डीसी मिलने पहुंचे तो बच्चों ने बताया कि स्कूल संचालक उन्हें एडमिशन नहीं दे रहे हैं, उनका 134A के तहत एडमिशन होना है। डीसी यश गर्ग ने बच्चों को यहाँ पर समझाते हुए कई बातें कही लेकिन बच्चे मानने को तैयार नहीं हुए। वहीं मौजूद एडीसी ने भी अभिभावकों और छात्रों को काफी समझाने का प्रयास किया कि कमेटी बना दी गई है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद स्कूलों पर कार्यवाही की जाएगी। मेरा बेटा विवेकानंद स्कूल एकेडमी में, अभी उसका स्कूल अलॉट हुआ है और मैं फिरोज गांधी में रहती हूँ। रोज हम जाते हैं स्कूल, रोज नए नए बहाने देके हमें स्कूल से निकाल दिया जाता है कि स्कूल में सीटें नहीं है, स्कूल नहीं देगा आपको एडमिशन। और आज हमें क्लियर कट बात बोल दी गई है कि हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, चाहे आप कहीं तक भी चले जाओ। हम यहाँ आते हैं, यहाँ भी डीसी साहब हमें आश्वासन देके निकाल देते हैं। पहले हम 20 को आए, हमें 22 को बुलाया गया। हम 22 को आए, बोला गया तुम्हारा 24 तक हो जाएगा एडमिशन। 24 से 31 तारीख लास्ट डेट की गई और आज हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हम डीसी साहब के यहाँ रोज स्कूल लगाएंगे, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक स्कूल यहीं पढ़ेंगे बच्चों। डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर और DRO या उनका रिप्रेजेंटेटिव, ये 3 मेंबर की कमेटी गठित हो चुकी है। कमेटी को 1 हफ्ते का टाइम दिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।